दिस इज चा दिनानी वेलकमिंग यू टू मैकनेट ब्रेन एंड टूडेज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स डिफरेंस, वॉटरेंस वॉट विच। सो अभी हमें ये देखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं तो हम व्हाट, व्हाई, हाउ विच राइट इन सबका यूज करते हैं बट कब हमें यूज़ करना होता है वॉट का कब करना होता है विच का ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट इट्स नॉट दैट टफ बहुत ही ईजी चीज़ है ये वॉट और विच बिकॉज़ यहाँ हम दोनों ही चीज़ें जो हैं या दोनों वर्ट या यहाँ विच का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए राइट right? बट दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है कि वॉट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं बट जब हम विच का यूज़ करते हैं तो हम सॉर्ट ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था दैट आई हैव टोल्ड यू बट यही एक छोटी सी चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है जब आपको चूज करना होता है इन दोनों के बीच में तो इन टूडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly वॉट के क्या यूजेस हैं विथ देयर सेंटेंसेज विच के क्या यूजेस हैं विथ देयर सेंटेंसेज एंड ऑल्सो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं वॉट इज कॉमन बिटवीन द टू एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वॉट एंड विच तो हम इनके

प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन तो और जो है वो सेंटेंस में नाउन की जगह लेते हैं और उस नाउन के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं तो हो गया क्वेश्चन के लिए इंटेरोगेटिव और क्योंकि नाउन की जगह रहकर या उसकी जगह बैठकर उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए हो जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन A a pronoun is is word that is used instead of a noun or a noun phrase. Pronoun क्यों यूज किया जाता है क्योंकि हमें नाउन या नाउन फ्रेज की जगह कोई वर्ड चाहिए होता है तो हम यूज करते हैं प्रोनाउन का नाउन क्या है जो कि एक संज्ञा है एनी नेम और नाउन फ्रेज क्या है एनी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन मेन पार्ट की तरह एक्ट कर रहा है और अगर इन दोनों की जगह हम यूज करते हैं किसी और वर्ड को तो वो हो जाता है प्रोनाम यानी सर्वनाम सो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ द अननोन इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन आस्क अबाउट इट यानी क्वेश्चन पूछोगे क्यों क्योंकि किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी राइट अननोन इंफॉर्मेशन होगी और वो अननोन इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप करोगे क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें चाहिए कोई वर्ड और उसी वर्ड को क्योंकि हम नाउन की जगह रखते हैं ताकि हम उस नाउन के बारे में क्वेश्चन कर सकें इसीलिए वो हो जाता है प्रोनाउन आस्किंग क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव प्रोना ही व्हाट और विच जो है वो इस काम के लिए यूज किए जाता है नाउ एग्जाम्पल लेते हैं वॉट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक तुम्हें आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है अब आइसक्रीम के इतने सारे फ्लेवर्स हैं राइट तो एन नंबर ऑफ यू नो फ्लेवर्स हो सकते हैं यानी बहुत 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 सारे फ्लेवर्स हैं अब उनमें से कौन सा फ्लेवर सामने वाले को पसंद है वो अगर आप जानना चाहते हो यानी कौन सा फ्लेवर तुम्हारा आइसक्रीम का सबसे यू you नो know, फेवरेट है तो हमने यूज कर लिया वर्ड वॉट का यानी यहाँ पर जो भी फ्लेवर होगा आइसक्रीम का वो नाम आएगा सपोज अगर हमने बोल दिया कि चॉकलेट चिप्स तो वो नाम है तो वो नाउन हो गया अब उसी नाउन के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन किया है तो वो प्रोनाउन है क्वेश्चन किया है तो इंटेरोगेटिव है इसीलिए इंटेरोगेटिव प्रो नेक्स्ट विच वन डू यू लाइक बेटर इन दोनों में से तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैग खरीदने गए हो एंड वी आर लाइक इन दोनों बैग में से कौन सा बैग तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कौन सा बैग ठीक है कौन सा फ्लेवर कौन सा बैग यानी अभी तक डिफरेंस ये समझ नहीं आ रहा कहां यूज करना है बट तो जैसे ही हम डिफरेंसेस देखेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां को रखना है वहां विच को रखना है तो ओवरऑल तो भी समझ आ गया है कि दोनों के दोनों एक प्रोनाउन का नाउन का आंसर देंगे सॉरी जैसे विच वन डू यू लाइक बेटर तो कोई ना कोई आंसर होगा कि बैग वन या दिस बैग या, या ब्रेड वन या ब्लैक वन तो ये नाउन है अब उसकी जगह आप यही इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे तो वो हो गया विच ठीक है तो जब भी हम ऐसे टाइप के प्रोनाउन का यूज करते हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों व्हाट और विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स हैं ये हो गई सिमिलैरिटी अब हम जंप करते हैं इन टू वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉट को हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं नंबर वन क्या सबसे कॉमन है राइट right? जो कि हम यूज करते हैं वर्ड के लिए देन कभी कभी हम कितना वर्ड के लिए भी यूज करते हैं वर्ड को जब हमें कोई क्वान्टिटी या अमाउंट या कितना पसंद है कोई चीज वो पूछने के लिए हम यूज करते हैं वॉट का अभी हमने ये भी बोला था कि कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर तुम्हारा फेवरेट है तो कौन सा के लिए भी आप यूज कर सकते हो वर्ड को तो वर्ड के हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं जस्ट दैट जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो या सेंटेंस पढ़ते हो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यूज करना है कि विच यूज करना है जैसे ही हम सारे पॉइंटर्स डिस्कस कर लेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है व्हाट इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड व्हेन द रेंज ऑफ आंसर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड यानी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे वो रेस्ट्रिक्टेड यानी ऐसे नहीं होंगे कि कुछ चार या पांच ही आंसर्स आप दे सकते हो नहीं उसके बहुत से आंसर्स हो सकते हैं लाइक like उसका आंसर हो सकते हैं दो उसके आंसर हो सकते हैं तीन या फिर दस या पंद्रह या बीस कुछ नहीं बोल सकते हो तो जब रेंज जो है ना आंसर्स की उस क्वेश्चन के लिए वो लिमिटेड नहीं होती है रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है तो हम यूज करते हैं वॉट का जैसे जब आपने आइसक्रीम फ्लेवर्स वाला सेंटेंस देखा तो आइसक्रीम फ्लेवर्स

उनमें से कोई भी एक आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसीलिए यहाँ पर जो रेंज है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो क्या के लिए हम यूज करते हैं वर्ड तो तुम क्या कर रहे हो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है आई एम प्लेइंग सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग अ म्यूजिक इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग राइटिंग रीडिंग कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं राइट सो यहाँ पर वॉट आर यू डूइंग के आंसर्स की जो रेंज है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है इसीलिए वी वेंट फॉर द वर्ड वॉट नेक्स्ट वट टाइम आर यू लीविंग तुम कितने बजे निकल रहे हो अब वो जो बजे हैं टाइम वो कुछ भी हो सकता है 24 फोर आवर्स में से कोई भी मिनट कोई भी सेकेंड हो सकता है राइट right? तो आप इसकी जो रेंज है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आंसर जो है वो दस बज के दस मिनट ही बोलेगा नहीं वो कुछ भी बोल सकता है तो यहां पर आप व्हाट टाइम आर यू लीविंग बोलोगे ना कि विच टाइम आर यू लीविंग क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया रेंज आपके पास बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके तो तुम कितने बजे तक कितने वर्ड के लिए आप यहाँ देख सकते हो तुम कितने बजे तक निकलोगे नेक्स्ट शी वॉज आस्किंग मी व्हाट योर एड्रेस इज अब क्या होता है ना क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं एक तो हो जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आप सीधे देख पा रहे हो पहले दो सेंटेंसेज में एक हो जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन जहां पर आप किसी और का क्वेश्चन इनडायरेक्टली सेंटेंस में बता रहे हो जैसे उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा एड्रेस क्या है तो उसने पूछा था उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन अब आप अब बता रहे हो राइट right? इनडायरेक्टली बता रहे हो ना उसने जो बोला था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसके लिए उसने क्या पूछा होगा व्हाट योर एड्रेस इज और आप इसी क्वेश्चन को किसी और को बता रहे हो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट सो शी आस्किंग मी योर एड्रेस इज तो ये क्या हो जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो ओवरऑल यहां पर भी एड्रेस के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आप ऐसे चॉइस नहीं दे रहे हो कि तुम क्या इसी बिल्डिंग में इसी सोसाइटी में कौन से वाले घर में रहते हो ऐसा नहीं पूछा कहां रहते हो तो वो कुछ भी हो सकता है तो जब रेंज जो है वो एक लिमिटेड नहीं होती है तब हम वॉट का यूज करते हैं अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है लिमिटेड रेंज का मतलब क्या है तो जब विच पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओके नेक्स्ट इज वॉट इज यूज टू आस्क टू प्लीज रिपीट इनफॉर्मली वर्ड का एक और यूज होता है वो क्या है कि कभी भी आपको किसी को रिपीट करने के लिए बोलना है उन्होंने जो कुछ भी बोला आप चाहते हो फिर से रिपीट करें हो सकता है आपको सुनाई नहीं दिया आपका ध्यान नहीं था उसका कोई भी रीजन हो सकता है तो जब आप इनफॉर्मली यानी दोस्तों में या फिर अपने यू नो सिब्लिंग्स में उनको ये बोलना चाहते हो कि जो तुमने बोला उसको फिर से रिपीट करो तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड का यूज करते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क की टोन जैसे डिड यू गेट द न्यूज किसी ने बोला क्या तुमको न्यूज मिली आप बोल सकते हो सॉरी वॉट अब सॉरी यूज करना भी अकेले में एक वर्ड खुद भी क्या हो जाता है एक वे होता है पार्डन right? बोल देते हैं है, सामने वाला खुद रिपीट करता है बट इनफॉर्मली है तो आप वॉट भी बोलेंगे अगर what तो क्या होगा सामने वाला फिर से रिपीट करेगा तो एक और यूज हो गया वर्ड का जो कि विच से रिलेटेड नहीं है बट ये डिफरेंस है कि वर्ड को ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप विच नहीं बोलोगे यहां पर जब वो बोलेगा कि तुम्हें न्यूज मिली क्या ठीक है तो वर्ड का यूज हम इसलिए भी करते हैं जब हमें इनफॉर्मली फिर से इनफॉर्मली फॉर्मल में मत बोलना क्योंकि रिस्पेक्ट वाला नहीं होता है थोड़ा ऐसा हो जाता है जो आप दोस्तों वोस्तों में यूज कर सकते हो बट ना कि बॉस टीचर प्रिंसिपल ऐसे फॉर्मल कंडीशन में सो so, जब आपको किसी को बोलना है प्लीज रिपीट आप सीधे बोल सकते हो वॉट विद अ क्वेश्चन मार्क वाली टोन नेक्स्ट है वॉट इज यूज एज अ प्रोनाउन टू मीन द थिंग्स दैट तो जब सेंटेंस में हमें किसी चीज के लिए ऐसे बोलना है द थिंग्स दैट या किसी चीजों के बारे में बात करनी है द थिंग्स नीडेड दैट तो इस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं वॉट का कैसे वॉट वी नीड टू डू इज हमें क्या करना चाहिए यानी हमें क्या रिक्वायरमेंट है क्या चीज हमें करनी है द थिंग्स दैट वी हैव टू डू उसके लिए हम बोल देते हैं व्हाट वी नीड टू डू इज इन्वाइट एवरी वन इन द हाउस वार्मिंग पार्टी तो हमें क्या करना है क्या के लिए वॉट यूज किया बट हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना जरूरी है सो so हमें सबको इन्वाइट करना चाहिए हाउस वार्मिंग पार्टी में तो यहाँ पे भी यूज हो जाता है किसका वॉट का नेक्स्ट आई कॉन्ट डिसाइड वॉट टू डू ऑन माई बोथ यानी जो चीजें जरूरी वो मुझे मुझे याद नहीं नहीं आ रही रही करने में हो रही है। तो यहाँ पर question नहीं पूछा आपने किसी किसी से कि बताओ आप किसी और को बता रहे हो कि क्या करना चाहिए बर्थडे वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है हमेशा एज अ क्वेश्चन ही यूज करना है इसको इवन इफ आपको बोलना है कि या थिंग्स दैट इन सेंटेंस तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड का डन ओके okay. नेक्स्ट इज वॉट इज यूज एज अ डिटर्मिनर एक इंपॉर्टेंट यूसेज होता है वॉट का डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर की तरह डिटर्मिनर क्या होते हैं ज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन नाउन के पहले लगते हैं जगह पर नहीं लगते नहीं तो वो प्रो नाउन हो जाता टू स्पेसिफाइ क्वानिटी और टू क्लैरिफाइ व नाउन रेफर्स टू जैसे कई कबार आपने अ, सुना होगा राइट तो जब हमको एक क्या बोल सकते हो एक नॉट स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक चीज की बात करनी होती है तो आप ए एन यूज कर लेते हैं द बोलते हैं तो आप एक स्पेसिफिक चीज बताते हैं ऐसे कुछ नंबर यूज कर लेते हो अगर नाउन के पीछे पहले तो आप उसकी क्वान्टिटी बता देते हो ऐसे सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं डिटर्मिन और वट का भी

एब्जेक्टिव प्लस नाउ राइट नाउ है तो यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया वॉट अ बैड स्मेल यानी यहाँ पर वर्ट बोल रहा है कि भाई कितनी गंदी बदबू है तो कितनी आप किसी से पूछ नहीं रहे हो कि कोई मात्रा बताएगा नहीं आप एक्सप्लेन कर रहे हो या एक्सक्लमेशन की तरह यूज कर रहे हो तो वर्ट का यूज हम ऐसे भी करते हैं एज अ डिटर्मिनें डन ओके नेक्स्ट आ जाते हैं विच पे वर्ड का आपको पूरा यूसेज पता चल गया है बट डिफरेंस क्लियर करना है अगर फर्स्ट पॉइंट वाला जो रेंज लिमिटेड वाली तो आप विच के बारे में पढ़िए सो विच का हम यूज करते हैं कौन कौन से अगर हिंदी में लिखा हुआ है उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप विच लिखोगे देन कौन सा और जो यानी हम यहाँ रिलेटिव की तरह भी यूज करेंगे जो हम इसके पहले भी डिफरेंस वाले वीडियोज में देख चुके हैं राइट सो विच इज यूज एज अ क्वेश्चन वर्ड वेन देर इज अरे रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ आंसर विच का मतलब ही होता है चॉइस ठीक है तो जब हम किसी ऑप्शन के बीच में से चूज करने के लिए पूछ रहे हैं किसी से कि इन दोनों में से कौन सा या कौन कौन से तो यहां पर आपके पास एक रेंज लिमिटेड है कि यही कुछ होगा इनमें से कोई चूज कर रहा है उसे हम कहते हैं विच का यूज या फिर रेंज का रेस्ट्रिक्टेड ना होना या होना ठीक है तो वर्ड का मतलब आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे विच मतलब आपके पास चॉइस होगी तो यहां पे रेंज क्या हो जाती है रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है जैसे विच मॉल आर वी गोइंग टू अब आप जहां रहते हो वहां पर हजार मॉल तो होंगे नहीं राइट वहां पर इतने, दो तीन पाँच सात आठ दस इतने मैक्सिमम चलो इतने मॉल होंगे चूज करने की बात कर रहे हो तो यहां पर जो रेंज है वो रेस्ट्रिक्टेड है पता है जिससे आप बात कर रहे हो आपको भी पता है कि इन्हीं में से एक बोलेगा तो चूज कर रहे हो तो क्या हो गई रेस्ट्रिक्टेड हो गई रेंज तो इसीलिए कहते हैं विच मॉल ना कि वॉट मॉल नेक्स्ट विच डू यू प्रेफर ब्लू कलर कलर ड्रेस और ब्लैक ट्राउजर्स तुम्हें क्या खरीदना है ब्लू कलर वाली ड्रेस खरीदनी है ब्लैक कलर के ट्राउजर्स खरीदने यानी कि रेंज रेस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल है इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तो वो बोलेगी नहीं राइट या बोलेगा नहीं जिसकी भी बात कर रहे हैं तो यहां ब्लू कलर ड्रेस और ब्लैक कलर ट्राउजर्स के बीच में उसे चूज करना है तो इसीलिए बोल दिया विच डू यू प्रेफर ना कि वॉट डू यू प्रेफर जब वॉट डू यू प्रेफर भी हम यूज करते हैं ना तो भी हमारा ऐसा होता है कि वॉट डू यू प्रेफर टी और कॉफी वो भी चल जाता है बट विच डू यू प्रेफर हम ज्यादा सही मानते हैं जब हमको चॉइस की बात करनी होती है डन ओके okay. नेक्स्ट इज विच इज यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स इन जनरल विच को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है यानी जो की जगह जब आप बात कर रहे होते हो कोई भी ऑब्जेक्ट की या एनिमल्स इन जनरल यानी जब एनिमल का नाम नहीं दिया जैसे अगर किसी डॉग की बात कर रहे हो तो वो जनरल हो गया बट अगर नाम लिख देते हो टॉमी ब्रूनो समथिंग तो वो क्या है वो एक स्पेसिफिक हो गया तो उसके लिए हम विच यूज नहीं करते बट जनरली जब आप एनिमल्स की बात कर रहे हो डॉग्स बोल दो कैट्स बोल दो तो, तो जनरल है वो कोई भी कोई भी भी डॉग कैट हो सकता है तब हम यूज कर सकते हैं विच का कैसे आई सोल्ड द हाउस विच माई फादर बॉट फिफ्टी ईयर्स बैक मैंने वो घर भेज दिया जो मेरे पापा ने पचास साल पहले खरीदा था तो कौन सा घर वो घर जो मेरे पापा ने पचास साल पहले खरीदा था राइट तो ये जो इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा वो रिलेट किससे कर रही है हाउस से अब हाउस थिंग है तो जोड़ने के लिए ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस चाहिए जो थिंग के लिए यूज होता हो तो क्या लगाएंगे विच जिसका मतलब यहां पे क्या है जो नेक्स्ट माय कजिन केम टू द ग्राउंड हिज कैट इज वेरी अग्रेसिव मेरा जो कजिन है वो ग्राउंड में एक बिल्ली के साथ आया था नाम दिया है क्या क्या नहीं दिया है है तो जनरल हो गया और जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है बहुत गुस्से वाली बिल्ली है तो यहां पर विच क्या कर रहा है जो का काम कर रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है कैट की दे रहा है तो हमें कोई ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो रिलेट कर पाए है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अग्रेसिव को कैट के साथ तो हम क्या यूज कर सकते हैं विच डन ओके सो so, ये कुछ डिफरेंसेस थे अब आपको विच और वर्ट के बीच में चूज करना है तो सिर्फ दो बातें याद रखो अगर चॉइस वाली कोई चीज आ रही है तो विच यूज करो और अगर रेंज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो वॉट रेस्ट्रिक्टेड है तो विच जैसे आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है लाइक कौन सा सब्जेक्ट ठीक है अब सब्जेक्ट्स क्या हैं लिमिटेड है ना कुछ छह सब्जेक्ट्स ही होंगे जिसमें से आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले का तो यहां वर्ट नहीं लिखोगे विच लिखोगे सो so, आपको कौन सा कौन सा वुड बी विच आपको मीन्स योर विष है मीन्स सब्जेक्ट सबसे मीन्स बेस्ट या फिर द बेस्ट और अच्छा लगता है दैट लाइक ठीक है तो क्या हो जाएगा विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द बेस्ट या बेस्ट आपको जैसा लिखना है नेक्स्ट आपका क्या सुझाव है मतलब आपका क्या सजेशन है अब सजेशन कुछ भी हो सकता है लिमिटेड नहीं है वो कुछ भी सजेशन दे सकता है सामने वाला तो आप चॉइस नहीं पूछ रहे हो आप एक अनलिमिटेड रेंज वाला पूछ रहे हो तो वॉट यूज करोगे जैसे आपका क्या सुझाव है तो योर सुझाव मीन्स सजेशन क्या है मीन्स वॉट सो वॉट डू यू सजेस्ट ठीक है सो वॉट यहाँ क्या आप देख के भी लगा सकते हो सीधे सीधे या फिर आपको अगर रेंज वाली बात समझनी है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं नेक्स्ट कितना सुखद आश्चर्य है कितना मीन्स एक क्वांटिटी ठीक है तो आप यहां पे क्या बोलेंगे विच बोलेंगे क्या नहीं हम विच का जगह वॉट का यूज देख चुके हैं जब हम एज एन एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं वॉट का राइट कि कभी भी जैसे मैंने अ वाटर बैट्समैन अभी बताया था वैसे ही आप यूज कर सकते हैं किसका वॉट का इन दिस सेंटेंस विच का यूज नहीं करोगे बिकॉज यहां पे कोई क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है यहां पर एक एक्सक्लेमेशन एक फीलिंग की बात हो रही है सो वॉट प्लेजेंट सरप्राइज तो आप विच प्लेजेंट नहीं बोलते हैं वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज बोलते हैं डन ओके okay. नेक्स्ट इज मेरा कालीन जो मैंने दुबई से खरीदा था चोरी हो गया है अब यहाँ पे क्या है जो ठीक है यानी रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है बात किसकी हो रही है कालीन यानी कार्पेट की विच इज अ थिंग तो आप क्या यूज करोगे विच यूज करोगे राइट विच इज अ थिंग मैंने अभी बोला तो वो क्यों था कारपेट के लिए ठीक है तो आप क्या करोगे जो जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में कार्पेट के बारे में तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो इसको इससे जोड़े तो क्या करोगे विच रख दोगे सो माई कारपेट विच आई बॉट इन दुबई हैज बीन स्टोल्ड नेक्स्ट हमने बर्गर और नूडल्स खाए जो मुझे हमेशा पसंद आते हैं अगेन आप जो का यूज़ कर रहे हो बर्गर नूडल्स क्या हैं खाने की चीज़ें हैं राइट right? तो आप यहाँ पर बर्गर नूडल्स से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिलेट करना चाहते हो तो आप व्हाट का यूज नहीं कर सकते विच का करोगे क्यों क्योंकि यहां पर आपको समझ आ गया कि ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके बारे में है वो एक खाने की चीज है इन एनिमेट है सो वी हैव बर्गर नूडल्स विच आई ऑलवेज इंजॉय तो विच क्या कर रहा है जो का जो का, का काम कर रहा है और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिलेट कर रहा है डन ओके okay. अब ट्रांसलेशन वाले क्लियर हो गए हैं अब चूज द करेक्ट देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको सच में पता चला कि नहीं वॉट और विच के बीच का डिफरेंस डैश शैल वी डू टूडे आज हमें क्या करना चाहिए क्या का मुझे कैसे पता चला बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शन है वॉट विच तो हमें कितना या कौन कौन सा करना चाहिए लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए आज क्या करना चाहिए राइट बिकॉज आज हम कुछ भी प्लान करें वो अनलिमिटेड रेंज होगी तो हम क्या लिख सकते हैं वॉट शैल वी डू टूडे ना कि विच शैल वी डू टूडे डन ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डैश हैंड डू यू राइट विथ तुम कौन से हाथ से लिखते हो हैंड हाथ डू यू राइट तुम लिखते हो तो कौन से हाथ दो ही हाथ होते हैं सबके पास ऐसा कोई है जिसके पास दस हाथ है नहीं तो हमें पता है वो या तो राइट बोलेगा, या लेफ्ट बोलेगा, या दाया बोलेगा, या बोलेगा, राइट? तो 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 बोलेगा 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 बाया हमारे पास एक restricted range है। तो आप विच का, का करोगे बिकॉज यू हैव अ रेंज दो में से ही कोई एक वो बोलेगा सो विच हैंड डू यू राइट विद तुम कौन से हाथ से लिखते हो डैश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब क्या है वॉट हैपेंड यानी क्या हुआ विच हैपेंड कौन सा हुआ क्या कोई चॉइस है नहीं हम पूछ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ तो क्या के लिए तो वॉट यूज करते ही हैं ये तो पता ही है साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी हुआ होगा वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है बहुत सारी चीजें हुई होंगी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सो इट विल नॉट बी विच इट विल बी वॉर कि भाई क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉट हैपेंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर डन ओके नेक्स्ट इज डैश इज योर फोन नंबर अब आप क्या पूछ रहे हो कि फोन नंबर क्वेश्चन मार्क है तो पक्का आप पूछ रहे हो सामने वाले से फोन नंबर क्या है तो आप ये बोलोगे क्या कौन सा फोन नंबर है नहीं भाई इतने सारे फोन नंबर्स हैं आप सीधे पूछोगे तुम्हारा क्या फोन नंबर है सो व्हाट इज योर फोन नंबर ये नहीं बोलोगे विच इज योर फोन नंबर हाँ अगर यहाँ पर कोई चॉइस होती दो स्लिप्स है भाई इनमें से कौन सा तुम्हारा फोन नंबर है तो मैं नाम लिख दू देन वी वुड हैव गॉन फॉर विच बट जनरली हम क्या बोलते हैं व्हाट इज योर फोन नंबर यानी आपका नंबर क्या है ठीक है डन ऑल राइट नेक्स्ट इज डैश ऑफ योर टीचर्स डू यू लाइक बेस्ट अब यहाँ पे क्या है तुम्हारे जितने टीचर्स हैं उनमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है तो फेवरेट मतलब चॉइस है राइट तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं वॉट की विच हम लिखेंगे विच सो इट विल बी विच ऑफ योर टीचर्स डू यू लाइक द बेस्ट ऑल्सो विच के साथ ही हम ऑफ का यूज कर सकते हैं वॉट के साथ नहीं करेंगे वॉट ऑफ द टीचर्स ठीक है तो so वॉट के साथ ऑफ का वैसे यूज नहीं होता नंबर वन एक और नई चीज सीखने को मिल गई साथ ही साथ यहां चॉइस है बस इतना ध्यान रखो तो विच का यूज करोगे वॉट का नहीं करोगे डन ऑल राइट वट इज कॉमन बिटवीन हु एंड विच सो बोथ हु एंड विच आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रेलेटिव प्रोनाउंस तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेरोगेटिव की इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग राइट right? तो जब आप देखते हैं ना क्वेश्चन मार्क जब हमें पूछना होता है किसी से किसी बारे में मे बी हमको कोई रीजन चाहिए कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी चीज के बारे में हमको इन वन वर्ड आंसर चाहिए तो हम पूछते हैं क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चंस को बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्योंकि हु और विच जो है ये यूज होते हैं नाउन की जगह तो इसीलिए इनको कह दिया जाता है प्रोनाउंस

इज अ फुटबॉल प्लेयर ठीक है नाउन क्या है यहां पर रवि अब मैं रवि की जगह जो कुछ भी रखूंगी दैट वुड बिकम प्रोनाउन अब हमें पता है रवि क्या है भाई एक बॉय है और बॉय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं ही तो ये बन जाएगा ही इज अ फुटबॉल प्लेयर राइट right? तो हमको क्या पता चल गया कि भाई रवि क्या है एक फुटबॉल प्लेयर है तो यहाँ पर ही क्या कर रहा है नाउ की जगह यूज हो रहा है तो ही क्या हो जाएगा एक प्रोनाउन राइट सिमिलरली कोई भी वर्ड जब भी यूज होता है और वो नाउन की जगह यूज हो रहा है उसे हम प्रोनाउन का दर्जा दे, दे, दे देते हैं

मैंने बोला आई लाइक येलो कलर ठीक है अगर सपोज ऐसे लिख दिया अब यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि येलो कलर मुझे पसंद है अब इस जगह अगर हम लिख देते कि हु लाइक्स येलो कलर तो इसका आंसर क्या है आई लाइक तो ये जो आई वाला इन्फॉर्मेशन है ना उसकी जगह जो जगहोन है इसमें वो है है यानी मुझे मुझे पसंद है तो मुझे की की जगह जगह का यूज हो गया क्या हुआ भाई यहां नाउन की हम यूज कर लिए और ये क्या हो जाएगा जैसे अच्छे समझ सकते हैं कि हम कोई नाम ले लेते हैं रवि लाइक्स येलो कलर अब मैंने बोल दिया हु लाइक्स येलो कलर हु किसका आंसर दे रहा है रवि का तो यहां पर हु क्या है ये एक्ट करेगा एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों क्योंकि कि ये एक्ट यूज uh, हुआ है रवि की जगह और रवि की जगह यूज हुआ है तो प्रोनाउन हो गया और क्योंकि ये अननोन इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है इसीलिए हम इसको बोल देंगे इंटेरोगेटिव तो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है जो कि एक अननोन इन्फॉर्मेशन की जगह ले लेगा और क्वेश्चन पूछते वक्त सो इंटेरोगेटिव आर प्रोनाउंस दैट आस्क क्वेश्चन बहुत आसान कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है उसे कह देंगे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डन ओके चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हु एट द पीस ऑफ केक केप्ट इन द फ्रिज तो यहां हम पूछ रहे हैं किसने वो पीस ऑफ केक जो फ्रिज में रखा था वो खा लिया तो किसने खाया राइट right? हमें नहीं पता किसने खाया तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आंसर मिल जाता है हमको सपोज हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई राहुल ने खाया है वो पीस ऑफ केक तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर आ जाता है राहुल राइट राहुल, right? तो ये हो जाता है राहुल एट द पीस ऑफ केक केप्ट इन द फ्रिज तो अनोन इंफॉर्मेशन की जगह क्या वर्ड यूज हो गया हु और क्योंकि वो किसकी जगह राहुल की जगह लग रहा है तो इसीलिए वो हो गया इंटेरोगेटिव Overall, who को हम हम करते हैं हैं पूछने के लिए इतना भी भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ रहे हैं हम, right? who versus which? दोनों के बीच में हम common चीज़ देख रहे हैं दोनों के दोनों क्या है इंटेरोगेटिव हैं सो विच भी यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे लिखा है विच पिक्चर वुड यू लाइक टू पोस्ट तुम इनमें से कौन से पिक्चर है जिसे पोस्ट करना पसंद करोगे अब किसी ने जवाब दे दिया कि कोई भी द पिक्चर इन ब्लैक कलर या ब्लैक ड्रेस यहां पर आ जाएगा आई वुड लाइक टू द पिक्चर इन ब्लैक ड्रेस तो ये जो आंसर था ना इन ब्लैक ड्रेस वो थी अनोन इंफॉर्मेशन उसी को पूछने के लिए तो वर्ड का यूज किया गया है दैट इज अ अच तो क्वेश्चन किया गया है क्या पूछ रहा है कि कौन सी पिक्चर पोस्ट करनी है तो आंसर हो गया यहाँ पर which picture would you like to post तो which question पूछने के लिए यूज किया जा रहा है इसीलिए क्या हो गया एक क्वेश्चन वर्ड तो who और which के बीच में एक कॉमन चीज क्या है दोनों ही दोनों क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है. अब हम देख लेते हैं दूसरा जो कॉमन पॉइंट है इनके बीच में दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज to a noun or pronoun relative clauses बोल लीजिए relative pronoun बोल लीजिए clause बोल लीजिए phrase बोल लीजिए हर एक चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको इन डिटेल ये सब कुछ समझना है देन आप डेफिनेटली ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो बट अभी के लिए हमें क्या पता है कि दोनों who और which जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं राइट सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है जो कि रिलेट करे यानी जो एक क्लॉज या फ्रेज को एक दूसरे के साथ जोड़े उसे कहते हैं हम कि वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से क्लॉज या फ्रेज को हम जब जोड़ देते हैं तो वर्ड हम जो यूज करते हैं ना जोड़ने के लिए उसे हम कह देते हैं यहाँ पर कि वो हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इट वॉज माई फ्रेंड हु ब्रोक द विंडो किसी ने पूछा किसने विंडो ब्रेक की तो हमने बताया कि भाई वो मेरा दोस्त था जिसने विंडो ब्रेक की तो यहाँ वर्ड जिसने क्या कर रहा है विंडो ब्रेक वाले पॉइंट को मेरा जो फ्रेंड है उससे कनेक्ट कर रहा है रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर वर्ड हु क्या कर रहा है ये जोड़ने का काम कर रहा है राइट तो यहाँ हु क्या है ये एक्ट कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि बता रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो मेरा फ्रेंड है जिसने ये विंडो तोड़ी वैसे ही टॉय विच वी सॉ इन द शॉप इज नॉट अवेलेबल नाउ भाई वो वाला खिलौना कौन सा खिलौना जो हमने देखा था दुकान पे उस दिन वो अब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ विच क्या कर रहा है ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेट कर रहा है आपको बता रहा है तो यही होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन का, का काम और अगर आपको इन डिटेल समझना है देन यू यू हैव ऑलरेडी इन द सो कैन गो एंड चेक तो यहाँ पर क्या है भाई हु और विच के बीच में हमको सिमिलैरिटीज पता चल गई अब इनके बीच में जब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक हमको यूसेज में थोड़ा इशू आएगा कि क्यों यहां हमने हु यूज किया यहाँ हमने विच क्यों नहीं लगाया और सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस

तो जब हमें इंसानों की बात करनी है लोगों की बात करनी है उनके लिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम बोल देते हैं भाई यूज कर लो वर्ड हु को ठीक है कभी नहीं सुना होगा आपने कि टॉय नहीं बट हु इज दैट पर्सन जरूर सुना होगा क्यों क्योंकि हम पीपल के साथ यूज करते हैं किसको हु को टू आस्क क्वेश्चन सो फॉर एग्जाम्पल हु इज ही वो कौन है ठीक है तो कौन वर्ड के लिए हमने क्या यूज कर लिया हु तो जब भी हमें पूछना होता है ना वो कौन है या फिर यू you नो know, तुम्हारा फ्रेंड कौन है तो कौन वर्ड जो होता है ना हिंदी में उसके लिए हम यूज करते हैं हु इन इंग्लिश जवाब हो सकता है इसका ही इज माय ब्रदर ही हो सकता है तो वो नहीं है क्या आंसर क्या होगा बट हम बात किसकी करें पर्सन की तो हमने यूज कर लिया हुक्स्ट राइडिंग द बाइक बाइक कौन चला रहा था तो कौन के लिए हु वर्ड आ गया हु वाज राइडिंग द बाइक नेक्स्ट Who Who is is going going to throw this? इसे कौन फेंकेगा? So who is going to throw this? तीनों में ही आपको समझ आ रहा है ये भी इंसान के बारे में बात कर रहा है बाइक भी कोई इंसान ही चला रहा होगा और कचरा कौन फेंकेगा ये चीज को उठा के कौन फेंकेगा ये भी कोई इंसान ही करेगा तो इसीलिए हमने यूज किया यहाँ पर हु को डन ओके okay. नेक्स्ट इज हो इज यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पीपल अगेन सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ उसमें अगर किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तभी यूज करोगे हु का जैसे अगर हम पीछे की तरफ फिर से जाए तो आप ध्यान से देख सकते हो इट वॉज माई फ्रेंड हु ब्रोक द विंडो तो फ्रेंड क्या है एक इंसान है राइट right? उसी के बारे में बात करनी है इसीलिए फ्रेंड इंसान है इसी के बारे में बात करने के लिए हमने हु का यूज किया विच का नहीं करेंगे अभी आगे समझ आ जाएगा क्यों तो इसीलिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं किसको हु को पीपल के लिए जैसे द राइटर किसकी बात हो रही है राइटर की राइटर क्या है भाई इंसान है कोई लेखक राइट सो द राइटर हु रोट दिस बुक इज एन इंडियन भाई जिसने इस बुक को लिखा है वो एक इंडियन ऑथर है एक इंडियन राइटर है तो यहाँ पर बात हो रही है राइटर की इसीलिए यूज रहे हो किसको हु को क्यों क्योंकि राइटर एक इंसान है और हम हु को ही यूज करते हैं इंसान के बारे में बात करने के लिए नेक्स्ट द साउंड ऑफ द क्रैकर्स स्कैड माई कजिन हु वॉज स्लीपिंग यानी जो फटाके होते हैं क्रैकर्स होते हैं उनकी आवाज से मेरा कजिन डर गया जो कि सो रहा था मेबी कजिन क्या है बहुत छोटू सा है बेबी है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हमने साउंड ऑफ द क्रैकर्स माय कज़िन अब हम बात किसकी कर रहे हैं साउंड ऑफ क्रैकर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कज़िन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सो रहा है क्रैकर सो रहे हैं कि कजन सो रहा है कज़िन सो, सो रहा है कजिन क्या है पर्सन है तो क्या लगाओगे हु लगाओगे सो हु वॉज स्लीपिंग कई बार कबार यू you नो know, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे आपको यहाँ पर लिख के दे दिया जाएगा जैसे हमको एक सेंटेंस बनाए दर्ल डैश वॉज टॉकिंग टू मी इज माई नेबर ठीक है क्या दिया हुआ है द गर्ल ब्लैंक वॉज टॉकिंग टू मी इज माई नेबर तो जो लड़की मुझसे बात कर रही थी वो कौन है मेरी पड़ोसी है तो यहां पर गर्ल की बात हो रही है ना क्या करोगे यूज हु करोगे विच करोगे हमें पता है पर्सन के लिए हु करते हैं तो लगा दो हु टू मी इज माई नेबर डन तो इस तरीके से हम यू का यूज करते हैं आप इन एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यूज किया है हु का नेक्स्ट इज विच अब हम विच और हु दोनों को एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं हु का तो समझ आ गया कैसे करना है वैसे ही विच को भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं कैसे विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स तो जब हमको किसी भी चीज के बारे में पूछना है एंड ऑल्सो डिसाइडिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन तो आपको ध्यान क्या रखना है ना वर्ड चॉइस तो जैसे हमको किसी चीज़ के बीच में चॉइस चाहिए कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है या कौन सा कलर आपका फेवरेट है या इन दोनों फ्लेवर्स में से कौन सा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है आपका तो यहाँ पर हम चॉइस के बीच में जब पूछने होते हैं ना कि कौन सा है पिकअप वन तब हम यूज़ करते हैं विच का यानी विच हम तब यूज़ कर रहे हैं जब हमारे पास जो आंसर्स हैं वो लिमिटेड हैं इतने ज़्यादा आंसर्स पॉसिबल नहीं हैं जैसे Which dish do you prefer? जैसे सपोज कोई बहुत सारी डिशेज रखी है सामने कोई जींस रखी है और किसी ने पूछा इनमें से कौन सी डिश है जो आप प्रेफर करेंगे तो यहां पर यूज कर लेते हैं विच का ठीक है तो जब चॉइस पूछनी होती है ना आपको सिलेक्ट करना ऑप्ट करना दो ऑप्शन आप किसी की चॉइस पूछ रहे हो तब हम यूज करते हैं विच का नेक्स्ट विच ट्रेन शुड आई टेक सपोज आपको कोई एक यू you नो know, कहीं आपका जहाँ भी सोर्स है जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से जो डेस्टिनेशन है जहाँ आपको जाना है यहाँ सिर्फ तीन ट्रेन्स हैं जो रन करती हैं अब आप पूछ रहे हो इनमें से कौन सी ट्रेन मुझे लेनी चाहिए डिपेंडिंग कि वो कौन से डेज पे जा रही है या कौन से टाइम पे वो निकलती है तो आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है ऐसा तो नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाँ हंड्रेड ट्रेन होंगी तो आपने विच का यूज किया नहीं यहां बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से आप किसी को चूज करने का पूछ रहे हो तो हम यूज कर लेते हैं विच का कि विच ट्रेन शुड नेक्स्ट विच सीट वुड यू प्रेफर अब सपोज आपने ट्रेन चूज कर ली अब ट्रेन में भी जब आप बुकिंग करते हैं तो सीट्स की ऑप्शन होते हैं राइट कि लोअर बर्थ मिडिल बर्थ अपर बर्थ साइड लोअर साइड मिडिल राइट तो बहुत सारे साइड अपर सॉरी तो इस तरीके से सारे सीट्स होते हैं तो जब आपके पास अगेन लिमिटेड चॉइस है सीट्स की और आपने पूछा कि विथ सीट वुड यू प्रेफर तो यहां पर भी आपने विच का इसलिए यूज किया बिकॉज आपको यहां चॉइस पूछनी थी एंड ऑल्सो यू हैड लिमिटेड नंबर ऑफ तो ऐसे टाइप के जब आपको सेंटेंसेज या ऐसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं जहां आप चॉइस पूछना चाहते हैं देन यू विल यूज द वर्ड विच क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट जो यूसेज है दैट इज विच इज यूज्ड एज अ रेलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स इन जेनरल तो थिंग्स के बारे में तो अभी हमने बात कर ली सिमिलरली जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं बट एनिमल्स इन जनरल यानी सपोज अगर किसी एनिमल का नाम दे दिया आपको जैसे बोल दिया कि भाई दिस डॉग जिसका नाम दे दिया टॉमी तो ये जनरल डॉग नहीं है ये पर्टिकुलर वही डॉग है जिसकी बात हो रही है तब हम विच का यूज नहीं करेंगे बट जब आप एनिमल्स को जनरली बोल रहे हो लाइक मैंने बोल दिया डॉग्स तो अब डॉग्स तो कोई भी हो सकते हैं राइट right? अब हमने कोई जनरली एक की बात तो नहीं की जितने भी डॉग्स हैं उनमें कोई भी हो सकता है तब हम यूज करते हैं विच का एज अ रिलेटिव प्रोना और थिंग्स के लिए तो हम यूज करते ही हैं किसको विच को सो आई सोल्ड द कार च आई बॉट लास्ट ईयर तो यहाँ अगर ब्लैंक होता और विच सपोज आपको नहीं दिया होता तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर मैंने वो कार बेच दी जो मैंने लास्ट ईयर या पिछले साल खरीदी थी तो यहाँ पर वर्ड हमें क्या लगाना है जो लगाना है बट कौन सा लगाएंगे तो ये डिसाइड करेगा वर्ड कार क्यों कार क्या है थिंग है राइट right? तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे विच का यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन कि वो कार जो मैंने पिछले साल खरीदी थी नेक्स्ट माय फ्रेंड केम टू द पार्क विथ हिज डॉग विच लाइक्स टू रन इन द पार्क अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा फ्रेंड जो है वो पार्क में आया किसके साथ अपने डॉग के साथ ठीक है अब डॉग की बात हो रही है कि फ्रेंड की बात हो रही है जिसको दौड़ना बहुत पसंद है पार्क में ऑब्वियसली डॉग की बिकॉज हम इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो डॉग इन जनरल बोला है कोई नाम दिया है क्या नहीं तो हमने क्या यूज कर लिया विच ज्यादातर तो ये लिख दिया जाता है माई फ्रेंड केम टू द पार्क विथ इज डॉग दैट लाइक्स टू रन बट विच को भी यूज कर सकते हैं सो so, विच आप क्या यूज करेंगे एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स के लिए तो आप यूज कर ही सकते हैं किसको which को विच को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन डन तो आपको जब चूज करना है हु के बीच में और विच के बीच में तो दो दो चीज़ें हैं क्या एक तो चॉइस पे बेस्ड है तो विच का यूज़ करो दूसरा एनिमल्स की सॉरी थिंग्स की बात हो रही है कि पर्सन की बात हो रही है उस पर भी इजिली आप यूज़ कर सकते हैं हु और विच को डन ओके okay. नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस तो ओवरऑल आपको यही चीजें देखनी थी कि बेसिकली विच और हु के बीच में डिफरेंस क्या है तो बहुत आसान है आप कहाँ हु का यूज़ करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए कहाँ विच का यूज करेंगे ठीक है जब हम बोल रहे हैं कि ये कौन है तो कौन की जगह हम हु यूज करते हैं और कौन सा जब चॉइस चाहिए तो हम यूज़ कर लेते हैं विच का डन ओके okay. इस चित्र को किसने बनाया है ठीक है या फिर किसने नेक्स्ट वर्ड जो आपको हिंदी में मिल गया है हु के लिए वो है किसने तो ये चित्र जो है वो किसने बनाया है तो आपको इसका जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा किसी का नाम होगा राइट right? भाई जो भी पेंटर है जो भी आर्टिस्ट है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर कि भाई इसने ये पिक्चर या पेंटिंग जो है वो बनाई है तो यहां पर अननोन इंफॉर्मेशन किसी इंसान की थी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर वर्ड हु तो इस मतलब हो जाता है दिस चित्र को बोल देंगे पिक्चर ठीक है किसने का हो जाएगा हु बनाने का हो गया मेड ठीक है और क्वेश्चन मार्क तो इसको पूरा अरेंज करो तो कैसा होगा हु मेड दिस पिक्चर डन तो आपके पास पूरा सेंटेंस आ गया सो so, इस तरीके से हम हु की जगह यूज़ करते हैं किसने की जगह हु का यूज करते हैं सो इट वुड बी हु मेड दिस पिक्चर नेक्स्ट मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की योजना बना रहा हूँ जो अलग अलग भाषाएँ बोल बोल सकता है तब हमको थोड़ा धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं फिर हम आएंगे कि हु का यूज हो रहा है कि विच का यूज हो रहा है सबसे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोल सकता है तो यहाँ पर ये जो जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया राइट अब आप करोगे कि विच यूज करोगे बात किसकी हो रही है ऐसे व्यक्ति राइट right? तो पर्सन की बात हो रही है तो हम विच तो यूज नहीं कर सकते क्या यूज करेंगे हु का यूज करेंगे तो यहां तो आ जाएगा हु ये क्लियर हो चुका है अब धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं मैं मतलब आए ठीक है किसी मतलब कोई संबंध राइट right? ऐसे व्यक्ति अ पर्सन हु कैन तो हु तो हो गया ठीक है नियुक्त करने की योजना बना रहा हूं नियुक्त का मतलब होता है हायर ठीक है किसी को मैं अपनी कंपनी में रखने की जो योजना बना रहा हूं प्लान कर रहा हूं तो हायर वर्ड हो जाता है वहां पर देन जो अलग अलग भाषाएं बोल सकता है जो कि जगह हुआ गया ऑलरेडी समझ चुके हैं क्योंकि पर्सन की बात हो रही है अलग अलग भाषाएं यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस और बोल सकता है यानी स्पीक तो क्या बन जाएगा आई प्लान टू हायर समवन हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस तो यहाँ पर वर्ड हु क्या कर रहा है वो उस सम्वन की बात कर रहा है ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है इसीलिए हमने विच को यूज नहीं किया हु को यूज किया बिकॉज विच थिंग्स के लिए यूज करते हम हु नहीं कर सकते थे थिंग्स के लिए बट पर्सन के लिए हम विच नहीं कर सकते हु यूज़ कर सकते हैं बस आपको इतना ध्यान रखना है जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हो हु या विच को भाई किसकी बात हो रही है ठीक है so, सो इस तरीके से यहां पे हु का यूज करेंगे कि समवन की बात हो रही है डन ओके चलिए नेक्स्ट इज आपका बैग कौन सा है तो कौन सा है ठीक है यानी यहां पर चॉइस है कि अगर दो बैग रखे हुए हैं भाई इनमें से आपका बैग कौन सा है राइट right? तो यहाँ चॉइस की बात हो गई तो चॉइस में हम हु यूज करते हैं विच यूज करते हैं विच यूज करते हैं और हिंदी में मैंने बता दिया था जब हमें बताना है कौन सा यानी अगेन चॉइस की बात तब हम विच का ही यूज करते हैं इन इंग्लिश तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा योर ठीक है बैग इज बैग कौन सा इज विच और है का हम सीधे नॉर्मली लिखते हैं इज या वॉज जो भी आप बात कर रहे हो अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इज हो जाएगा सो विच इज योर बैग क्वेश्चन मार्क यानी इन दोनों बैंक में से आपका बैंक कौन सा है तीनों बैंक में से आपका बैंक कौन सा है लिमिटेड आंसर है दिस वन ठीक है ज्यादा बड़ी चॉइस नहीं है तो हमने क्या यूज कर लिया विच का नेक्स्ट हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं जो व्यापार के लिए अच्छे हैं तो क्या है भाई यहाँ पर जो है किसके लिए है बदलाव के लिए यानी चेंजेस अब चेंजेस पर्सन है क्या नहीं तो क्या यूज करोगे विच करोगे तो हो जाएगा क्या भाई हमने यानी भी बहुत सारा प्लूरल बहुत यानी मैनी बदलाव यानी चेंजेस देखे हैं यानी सीन या एक्सपीरियंसड आपको जैसे भी लिखना है जो यानी यहाँ हो जाएगा विच व्यापार यानी बिजनेस के लिए अच्छे हैं यानी गुड फॉर बिजनेस तो क्या हो जाएगा वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस च आर गुड फॉर बिजनेस तो ये जो विच वर्ड है यही यूज हो रहा है किसकी जगह जो की जगह जो कि क्या है एक रेलेटिव प्रोना क्यों यूज किया विच का हु का क्यों नहीं किया क्योंकि बात किसी पर्सन की नहीं हो रही थी चेंजेस की यानी बदलाव की हो रही थी इसीलिए हमने क्या यूज कर लिया विच को यूज कर लिया डन ओके okay. फाइनल एक और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं देन हम चूज द करेक्ट टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि थोड़ा बच्चों टाइप के हो जाते हैं बट अगर आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करना देन इट वुड बी इजी फॉर यू सो नेक्स्ट इज वह उन लोगों से भरा घर था जो उससे संबंधित थे यानी वो जो घर था उसमें वो लोग थे जो इससे रिलेटेड थे ठीक है तो यहाँ बात क्या हो रही है जो की अब हम जो जो रिलेटेड है वो कौन होगा घर होगा कि लोग होंगे लोग रिलेटेड है राइट तो यहां पर उससे संबंधित कौन थे लोग संबंधित थे तो ये जो जो कर रहा है वो लोगों की बात कर रहा है और लोगों के लिए हम हु और विच में से किसको चूज करते हैं हु को चूज करते हैं तो यहाँ जो जो है वो हु का काम करेगा डन तो कैसे हो जाएगा इट वॉज अ हाउस फुल ऑफ पीपल हु वह था घर है तो इट लगाएंगे शी तो बोलोगे नहीं घर को ठीक है क्या था भाई वो पूरा भरा हुआ था घर तो वॉज अ हाउस फुल ऑफ किस से उन लोगों से तो पीपल जो कि

पीपल रह रहे हैं। तो यहां पे हमें यूज करना है कुछ ऐसा जो लोगों की बात कर रहा है अब हु और विच आपके पास चॉइस है तो विच तो भैया थिंग्स के लिए यूज होता है हम कर नहीं सकते बट हु जरूर यूज कर सकते हैं तो हु क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर कैसे पीपल हु ग्लास हाउसेस तो पीपल या लोग जो कि शीशो के घर में ठीक है या फिर ऐसे घर में जो ग्लास से बना हुआ है उसमें रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते तो यहां पर हु क्या बात कर रहा है पीपल की बस ये चेक कर लो दो तीन बार की बात किसकी हो रही okay. है एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लेस इधर हु और विच डन ओके चलिए नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है दे बॉट ऑल द बुक्स उन्होंने सारी बुक्स खरीद ली डैश आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थी अब प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरी है वो लोग जरूरी है कि बुक्स जरूरी है बुक्स राइट right? तो यहां पर ये जो रिक्वायर्ड थे प्रोजेक्ट दे आर द बुक्स एंड बुक्स आर इंसान या फिर चीजें चीजें राइट right? सो so, बुक्स के लिए आप हु यूज करोगे कि विच करोगे विच करोगे तो यहां पर हो जाएगा विच डन क्यों क्योंकि हु जो है वो इंसानों की बात करता दे की बात हो रही होती तो हम हु लगा देते हैं बात हो रही है बुक्स की तो हमने लगा दिया विच डन तो बहुत आसान है जस्ट कीप इन माइंड कब की यूज करना है ऐसी दैट को हर जगह रिप्लेस कर दिया जाता है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे अभी सिर्फ हु और विच के बीच में अगर चूज करना है देन वॉट आर गोइंग टू राइट वही आपको देखना है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज डैश क्लास इज योर और क्वेश्चन मार्क है तो कोई क्लास के बारे में पूछ रहा है राइट अब योर है तो तुम्हारी क्लास तो क्लास ही रहेगा अब कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ये पूछ सकता है ना कि तुम्हारी क्लास कौन सी है राइट right? तो यहां पे पूछा गया है हु क्लास इज योर्स या विच क्लास इज योर्स अब जो क्लासेस हैं जो सामने होंगी मे बी हो सकता है यहां एट स्टैंडर्ड का एक रूम बना हुआ हो और नाइन्थ स्टैंडर्ड का रूम बना हुआ हो और टेंथ स्टैंडर्ड का रूम चलो तीन क्लासेस ले लो अब कोई पूछ रहा है इनमें से तुम्हारी कौन सी क्लास है तो क्या है लिमिटेड चॉइस है कोई तीन में से एक चूज करनी है राइट और जब हमें चूज करना होता है चॉइस होती है तो हम किसे यूज करते हैं विच को यूज करते हैं राइट ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि कौन तुम्हारी क्लास है ये बोलेंगे कौन सी तुम्हारी क्लास है और कौन सी के लिए हम विच का यूज करते हैं राइट तो कोई भी पर्सपेक्टिव देख लो हिंदी टू इंग्लिश देख लो या फिर ये देख लो कि बात, बात किसकी हो रही है चॉइस है या किसी नाउन की बात हो रही है किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा है देन यू कैन यूज हु और अब यहां पूछा जा रहा है तुम्हारी क्लास कौन सी है तो विच क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बिकॉज चॉइस है डन ओके नेक्स्ट है डैश वॉज टॉकिंग टू यू क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क है तो भाई पूछा जा रहा है किसी के बारे में राइट right? अब यहां पर बोला है वॉज कर रहा था टॉकिंग यानी बात कर रहा था टू यानी तुमसे टू यू ठीक है तो तुमसे कौन बात कर रहा था यही बन रहा है क्वेश्चन राइट right? नहीं भी समझ आ रहा है, तो दोनों को प्लेस करके रख लो टॉकिंग टू यू तुमसे कौन बात कर रहा था और विच आ जाएगा विच वॉज टॉकिंग टू यू तो इन दोनों में से कौन तुमसे बात कर रहा था भाई अगर इन दोनों में से चूज करना है हम विच यूज ही नहीं कर सकते राइट right? तो ये अगर विच ऑफ द टू होता तो हम सोचते जो विच ऑफ की बात है अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ विच की तो यहाँ विच रखोगे तो तो स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा बट हु रखोगे तो डेफिनेटली आ रहा है मीनिंग कि कौन तुमसे बात कर रहा था तो कौन के लिए हमने किसको यूज कर लिया को तो बस आपको यही देखना है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस बारे में पूछा जा 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 रहा रहा है जा रही है है चॉइस रही या सीधे सीधे जा रहा है, अच्छे से बड़े शब्दों में कि भाई कौन तुमसे बात कर रहा था तो किसी एक का नाम आएगा जो लिमिटेड नहीं है राइट right? तो क्या हो जाएगा यहां पर डन ओके नेक्स्ट इज दे आर बिल्डिंग ब्रिज वो लोग एक नया ब्रिज बना रहे हैं डैश विल कनेक्ट द टू हाफ ऑफ सिटी जो सिटी के जो दो हाफ हैं ठीक है ठेके? जो आधे आधे पार्ट बने हुए हैं उसको कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कौन कनेक्ट करेगा वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ब्रिज कनेक्ट कर रहा है ब्रिज कनेक्ट कर रहा है राइट तो दो सिटीज के बीच में लोग नहीं लेटेंगे जिसपे चढ़ के जाओगे आप ब्रिज के ऊपर से चल के जाओगे तो यहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है जो कनेक्ट करेगा तो तो हम क्या यूज करेंगे ब्रिज एक चीज है थिंग है तो हम क्या बोलेंगे हु की विच ऑब्वियसली विच तो हो जाएगा दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज विच विल कनेक्ट द टू हाफ ऑफ द सिटी डन बहुत आसान है अगर रिलेटिव वाले क्वेश्चन आते हो तो बहुत ही बेहतरीन ईजी होते हैं क्योंकि आपको बस यही देखना है बात किसकी हो रही है एंड अगर क्वेश्चन पूछना है तो सीधे प्लेस करके रख लो अगर थोड़ी भी टेंशन हो रही है कि भाई क्या आएगा तो प्लेस कर लो अगर चॉइस है तो विच लिख देना अगर किसी के बारे में पूछ रहा है कौन पूछा जा रहा है तो आप यूज कर लो हू का डन ओके बोथ हु एंड हुर प्रोनाउन्स दोनों के दोनों प्रोनाउन्स हैं ठीक है यानी दोनों के दोनों नाउन की जगह यूज होते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन सपोज अगर मैं बोल रही हूं जैसे हम इस इमेज को ले लें और हम बोल दें कि राहुल इज सेवन ईयर्स ओल्ड ठीक है अब यहां पर मैं वर्ड राहुल की जगह अगर लिख दू He is सेवन years old. ठीक है तो यहां ही वर्ड क्या कर रहा है राहुल वर्ड को रिप्लेस कर रहा है राइट right? तो क्योंकि ये वर्ड नाउन की जगह है एक संज्ञा की जगह है इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम तो वर्ड क्या हो जाएगा ही

तुमने किससे बात की अब सपोज इसका आंसर होता आई बेस्ट फ्रेंड ठीक है इसका सपोज ये आंसर है तो यहां पर ये जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड दिस इज व्हाट एक नाउन है राइट बेस्ट फ्रेंड एक नाम है तो ये जो आंसर है इसका यानी जो अननोन इंफॉर्मेशन थी सेंटेंस में वो क्या थी एक नाउन थी राइट तो जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु का कि तुमने किस से बात की अब यहां पर जो वर्ड है किससे यानी कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो हमको फाइनली मिल रही है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की वो एक नाउन है इसीलिए इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं सिमिलरली हु कार इज दिस ये कार किसकी है अब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है राइट right? जैसे हम लिख सकते हैं दिस कार इज माइन ये मेरी कार है ठीक है तो मेरी कार है मैं क्या नाउन हूं राइट तो इसीलिए जो अनोन इंफॉर्मेशन थी इस सेंटेंस की दैट वॉज अ नाउन तो इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं तो दोनों ही who, का काम क्वेश्चन करने का है दोनों को ही रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं आगे जाके देखेंगे बट डिफरेंस क्या है कब हु का यूज करना है कब हुज का यूज करना है अब हमें पता चलेगा वेन वील डिस्कस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हु को इन डिटेल तो हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जो कि क्या हो डूअर हो ऑफ द एक्शन यानी जो भी काम हो रहा है जो भी क्रिया हो रही है उसको जो कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट ठीक है जैसे मैं बोलूं आई एम राइटिंग तो लिखने का काम कौन कर रहा है मैं कर रही हूं आई एम राइटिंग राइट तो आई क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एक सब्जेक्ट सिमिलरली मैं बोलूं राहुल इज प्लेइंग तो खेलने का काम कौन कर रहा है राहुल तो राहुल क्या हो जाएगा एक सब्जेक्ट तो जब हमारा आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है और एक प्रोनाउन क्या है तो कोई भी प्रोनाउन जो एक सब्जेक्ट की जगह का काम कर रहा है या सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसे हम कह देंगे भाई कि वो है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन जब भी आप यूज करते हो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां आपकी जो अनोन इंफॉर्मेशन है यानी आप जो जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका फाइनल आंसर है वो एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा यानी द डूअर ऑफ द एक्शन डेफिनेटली वहां पर आप यूज करोगे सेंटेंस और क्लॉज एज सब्जेक्ट टू आस्क क्वेश्चन सबसे पहला यूसेज क्या है हु को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं बट कैसे सब्जेक्ट की जगह ठीक है जो कि इस एक्शन को परफॉर्म करेगा जो भी गिवन है इन द सेंटेंस उसको हम बोल देते हैं एक सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे हु इज कमिंग विथ मी फॉर शॉपिंग मेरे साथ शॉपिंग के लिए कौन आ रहा है तो कौन वर्ड की जगह हमने यूज कर लिया हु और इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा एक सब्जेक्ट होगा राइट हु इज कमिंग यानी आने का एक्शन कौन करने वाला है तो जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा बिकॉज ही और शी विल बी द डूअर ऑफ द एक्शन कमिंग तो यहां जो भी आंसर है सपोज हम लिख देते हैं यहां पर सुनीता या फिर आय

भाई हमें किसी से पूछना चाहिए कि वो लोग कौन है सो हु दे आर ठीक है तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं हमें किसी से पूछना चाहिए कि वो लोग कौन है तो वो लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना हम उसके लिए हम यूज कर ले रहे हैं हु दे आर कौन है कौन वर्ड के लिए हम हु यूज कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो अननोन इन्फॉर्मेशन वो लोग कौन है उसके बारे में बात कर रहा है राइट यानी मेन सब्जेक्ट है कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी बिलोंगिंग की बात करें पोजेशन की बात करें अधिकार की बात करें राइट right? तो हम यूज कर लेंगे किसको who. Next, I will decide if I want to join you or not once I get to know who has made the team.

कौन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं हिंदी में उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं हू का Done? तो पहला तो यूज हमें क्लियर हो गया है कि हु को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह एंड यस क्वेश्चंस पूछने के लिए नेक्स्ट इसका जो यूसेज है प्रोनाउन ऑफन टू रेट रेफर बैक टू सेंटेंस टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल तो जब हम हु ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे लाइक डिफरेंस बिटवीन विच अगर आपने नहीं देखा है सेम प्लेट आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो so, वहाँ पे भी हमने हु के बारे में देखा था कि इट्स अ रेलेटिव प्रोनाउन और सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है जब हम रेफर कर रहे हैं टू पीपल ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है तब हम यूज करते हैं हु का तो हुटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर इसका मतलब क्या हुआ सपोज अगर मैंने कोई भी एक इंफॉर्मेशन दी और इसी पर्सन से रिलेटेड मैं एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी सेंटेंस में दे रही हूँ तो कुछ तो यूज करोगे ना जो इसको रिलेट करते हुए बताए इसको जोड़े जोड़े इन द सेंस हम कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बट ये जो है उसको कनेक्ट करेगा कि भाई इसके बारे में बात हो रही है ताकि रिलेट कर पाए द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस तो वही चीज हु भी करता है कि जिस भी अगर आप ह्यूमन बींग की बात कर रहे हो और फिर आपने एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसी पर्सन के बारे में दी है तो बीच में हम वर्ड लगा देंगे हु जो कि बताएगा कि भाई इसी ह्यूमन बींग की जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो सेंटेंस में दी हुई है जैसे माई सिस्टर हु इज अ टॉपर अ ब्रिलियंट फुटबॉल प्लेयर यानी मेरी सिस्टर जो कि एक टॉपर है एक ब्रिलियंट फुटबॉल प्लेयर भी थी तो यहां पे ये जो टॉपर वाला बताया है इंफॉर्मेशन कौन थी टॉपर कौन है टॉपर इन सेंस माई सिस्टर तो माई सिस्टर एक पर्सन ठीक है जो कि एक टॉपर है वो एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर भी थी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टॉपर वाली है तो उसको आप रिलेट करने के लिए कि भाई इन्हीं के बारे में बात हो रही है क्या यूज हुआ है वर्ड हु तो मेरी सिस्टर जो कि एक टॉपर है एक ब्रिलियंट फुटबॉल प्लेयर भी थी तो यहां पर हु का मतलब क्या है जो तो जब हमें सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज करना होता है ना कि इसके बारे में बात हो रही है जो ये है तो जो वर्ड को हम रिलेट करने के लिए यूज करते हैं तो इसी तरीके से जब आप इंसानों की बात कर करो यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल एंड यू वांट टू टेल अबाउट द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू दैम तो हम क्या यूज कर लेते हैं हु का नेक्स्ट द रिसेप्शनिस्ट हुड मी वॉज वेरी काइंड जिस रिसेप्शनिस्ट ने मेरी हेल्प की थी वो बहुत ज्यादा काइंड है तो यहाँ पर कौन सी रिसेप्शनिस्ट जिसने मेरी हेल्प की थी तो यहाँ पे वर्ड हो जो है बता रहा है रिसेप्शनिस्ट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन वो रिसेप्शनिस्ट जिसने मेरी हेल्प की थी वो बहुत काइंड है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसने मेरी हेल्प की थी राइट right? तो यहाँ वर्ड जिसने के लिए क्या यूज किया गया है who. तो who

एक्टर हु परफॉर्म्ड इन दिस मूवी इज माई फेवरेट तो ये जो बोला गया है ना कि हु परफॉर्म तो हु इस एक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि हु क्या हो गया एक रिलेटिव प्रोनाम ठीक है तो कभी भी हमको कोई भी ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि उस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हम यूज कर लेते हैं वर्ड हु तो क्वेश्चन का कैसे काम होता है और कैसे एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है वो हम समझ चुके हैं अब हम देखते हैं द नेक्स्ट दैट इज में एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है पजेशन अधिकार तो जब हम सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इसको बिलोंग करती है ये पर्टिकुलर चीज पे इसका अधिकार है यानी पजेशन है तब हम यूज करते हैं वर्ड हुस तो हु who और हुज में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है जब आप who का यूज करते हो आप सीधे सीधे उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो भाई कौन है किसने किया एंड ऑल बट ये चीज किसकी है तब हम यूज करते हैं वर्ड हुज यानी टेलिंग अबाउट अ अपन इन अ सेंटेंस जैसे माय फ्रेंड सुनीता हुज ब्रदर्स लिव इन अमेरिका इज गोइंग टू विजिट मी तो यहां पर ब्रदर्स लिव इन अमेरिका किसके ब्रदर्स सुनीता के हुज क्यों बोला क्योंकि ये भाइयों पे किसका अधिकार है सुनीता का ठीक है ये इसको बिलोंग करते हैं उसके भाई हैं तो हमने क्या लिख दिया हुज ब्रदर्स क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रदर्स किसके हैं सुनीता के तो जिसके भाई भाई जो है वो कहां रहते हैं अमेरिका में वो आज मुझसे मिलने आ रही है तो सुनीता के बारे में ही इंफॉर्मेशन है ठीक है भाई हु और हुज में एक सिमिलैरिटी हम पीपल की बात कर रहे हैं बट येस yes, हम यहां पे एक भी बात और कर रहे हैं कि ये एक पोजेशन की बात कर रहा है डन जैसे whose birthday is it today? जैसे अगर हम बोल रहे हैं बर्थडे इज इट टूडे तो कुछ मीनिंग आ रहा है क्या नहीं कौन बर्थडे आज है कोई मीनिंग नहीं आ रहा हम ये पूछना चाह रहे हैं आज का जो डे है बर्थडे है वो किसको बिलोंग करता है तो आज किसका बर्थडे है दैट वुड बी हुए इज इट टूडे बस इतू ही डिफरेंस है कि हु को पोजेशन के लिए यूज नहीं करते कौन की जगह यूज करते हैं बस और हुज का हम यूज करते हैं जब हमें बताना है किसकी चीज है किसका बौद्ध है यानी एक स्पेसिफिक पोजेसिव की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हुज लिटिल ब्रदर इज ही भाई ये जो लिटिल ब्रदर ये छोटा भाई जो है वो किसका है अब क्यों बोल रहे हो किसका क्योंकि ये छोटे भाई पे उसी के भाई का अधिकार है जो बड़ा भाई है जो भी वटे वो तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं किसको बिलोंग करता है तो हमने क्या बोल दिया हुज लिटिल ब्रदर इज ही हु लिटिल ब्रदर नहीं बोलेंगे हम बोलते हु इज ही तो वहां हम पजेशन की बात नहीं करते ये कौन है बट अगर हम बोले ये भाई किसका है किसको बिलोंग करता है पजेशन पजेशन जो possession की बात हो रही है वो हो रही है तो सेंटेंस में हम यूज करेंगे हुज डन ओके नेक्स्ट इज हुज इज इन आस्किंग अबाउट विच पर्सन ओन्स और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग नेक्स्ट पजेशन वाली ही बात हो रही है बट कैसे जब हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन पूछने के लिए बट क्या पूछ रहे हैं हम कि जो चीज है वो किसके लिए किसकी है यानी हु ओन्स द थिंग या फिर वो किसने किया है हु इज द रिस्पॉन्सिबल तो जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करें कि ये चीज किसकी है क्योंकि वो एक ही जन को बिलोंग करेगी राइट right? या फिर ये जो भी हुआ है वो किसने किया है अगेन कोई एक ही होगा तो हम बात करेंगे किसकी Whose word की। जैसे हुग इज दिस क्लासरूम में यूज करते हैं right? तो तो मतलब है क्या कौन बैग है ये नहीं ये किसका बैग है? वो किसका वर्ड के लिए हम यूज करेंगे यानी जब आप किसी से कुछ ऐसा नॉर्मल पूछ रहे हो कि ये कौन है तब तो हु का यूज हो जाएगा बट जब हम रिस्पॉन्सिबल या ओनरशिप की बात करें कि कौन ओन कर रहा है तब हम बात करेंगे हूस की नेक्स्ट Whose fault is it? ये गलती किसकी है तो किसकी वर्ड की जगह क्या यूज करोगे हुस यानी ये गलती के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से हुआ है तो वी विल से हु फॉल्ट इज दिस नेक्स्ट हु बॉय इज ही ये किसका छोटा बच्चा है तो किसका है हु ओन्स दिस छोटा बच्चा उसकी बात हो रही है सो हु बॉय इज ही ज्यादा सही होगा हु लिटिल बॉय नहीं कह सकते हु इज ही बोल लेते कि कौन है बट ये किसका है वो बात हम हु से करेंगे तो बस इतना ही ध्यान रखना रहन है अगर कौन की बात करो ये कौन है यूज हु और हम बोले ये चीज किसकी है या ये पर्सन किसका है तब हम यूज करेंगे हूज का डन ओके नेक्स्ट इज यूज्ड When someone knows or says who someone or something belongs to or who they are connected with. क्या समझे इससे इसका मतलब है कि हुज़ का हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि हम किसी ऐसी चीज को जानते हैं जो किसको बिलोंग करती है या किससे कनेक्टेड है जैसे आई हैव फाउंड मैनी बट आई डोंट नो हुज दे आर यानी जब आप कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंस में बट आप ये बोल रहे हो कि ये चीज मुझे पता है यू नो हु समवन और समथिंग इज बट वो किससे कनेक्टेड है किसको बिलोंग करती है वो चीज अगर आपको नहीं पता तो हम यूज करते हैं वर्ड हुज़ का यानी बात वही हो रही है ओनरशिप की बट ये एक और यूसेज है तो जैसे मुझे बहुत सारी बुक्स मिली हैं चीज़ों के बारे में मुझे पता है कि ये बुक्स हैं बट किसकी बुक्स हैं वो किसको बिलोंग करती हैं हुज दे आर वो मुझे नहीं पता तो यहाँ पर हुज वर्ड क्या कर रहा है ये बुक्स किसकी है हु ओन्स देम उसके बारे में बात कर रहा है इसीलिए हु वर्ड यूज करेंगे हम हुज यूज करेंगे डन नेक्स्ट ही वुड नॉट से हुज नेम्स वर रिटन ऑन द लिस्ट यानी किसके नाम लिस्ट पे थे वो नहीं बताएगा किसके नाम किसके नाम यानी वो नाम किसको बिलोंग करता है तो हु नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे हुज यानी ये पता है लिस्ट पे नाम थे बट किसके थे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता किससे कनेक्टेड थी तब हमने यूज़ किया वर्ड हुज़ का यानी अगेन मीनिंग वही है कि किसका है या किसके नाम थे बट इनको इस तरीके से भी यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए डन ओके नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस तो आपको ओवरऑल क्या ध्यान रखना है कि जब हम पूछ रहे हैं ये कौन है ठीक है तब हम बोलेंगे हु या फिर कोई भी चीज ठीक है ना नेक्स्ट अगर आपको बताना है ओनरशिप के बारे में ये किसका है या कौन रिस्पॉन्सिबल है तो किसने किया तब हम यूज कर सकते हैं का जैसे बर्तन कौन करेगा इसका मतलब क्या होता है बर्तन कौन करेगा मतलब तो बर्तन कौन धोएगा मांझेगा ठीक है इसको बोलते हैं कौन मीन्स कोई एक पर्सन कोई नाम मिलेगा यह बात थोड़ी की कि बर्तन किसके हैं हमने बोला बर्तन कौन धोने वाला है तो दैट विल बी हु हु विल डू द डिशेस तो ठीक है का नहीं हुई करोगे क्यों क्योंकि हमने ये नहीं बोला डिशेस किसको बिलोंग करती हैं बर्तन किसके हैं हम ये बोल रहे हैं ये बर्तन कौन धोने वाला है तो क्या हो जाएगा हु विल डू द डिशेस नेक्स्ट यह वो है जो बिल्लियों को खिलाती हैं यानी यह मतलब कोई भी वो है खिलाती मतलब लड़की की बात हो रही है तो शी हो जाएगा वो है यानी किसकी बात कर रही है कि वन हु फीड्स द कैट्स राइट तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं वर्ड जो का यूज कर रहे हैं एज अ रेलेटिव प्रोनाउन ठीक है यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही है उन आंटी की जो कि बिल्लियों को खाना खिलाती हैं तो क्या यूज करोगे आंटी हैं यानी ह्यूमन बीइंग है तो क्या हो जाएगा हु ठीक है और जो की जगह ही तो रखना है तो क्या कर दोगे वहां पे हु प्लेस कर दोगे सो so, यह मतलब शी वो है मतलब इज वन जो कि बिल्लियों को खाना खिलाती हैं तो ठीक है? तो यहां पर हु क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है को कि किसके बारे में बात हो रही है उन आंटी के बारे में तो का यूज नहीं कर सकते बिकॉज हम यहां ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेट करके बता रहे हैं कि किसकी बात हो रही है डन ओके नेक्स्ट है किचन काउंटर पर किसकी चाबियां हैं यानी चाबियां किसकी हैं मतलब

डन तो आपको क्लियर हो गया है हु और हु में से चूज करना है तो हु मतलब सीधे सीधे आप किसी की बात कर रहे हो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक्स्ट्रा बट हु मतलब आप ओनरशिप की बात कर रहे हो डन ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज जिस आदमी का डॉक्टर बनने का सपना है वो बहुत उदास लग रहा था तो ये जो वर्ड वो है ना वो क्या कर रहा है इस पर्सन की बात कर रहा है जिनका क्या है जिनका एम्बिशन है डॉक्टर बनने का यानी ये जो सपना है वो इनका क्या है वो दे द पर्सन ओन्स दिस ड्रीम ठीक है यानी ये सपना किसका है किसका अधिकार है उस पर इस पर्सन पे तो यहां फिर से ओनरशिप की बात आ गई तो यहाँ आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हो एक ओनरशिप के टर्म्स में तो हु का यूज नहीं करके हुज का करोगे सो so, क्या होगा द मैन हुज ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर लुक वेरी सैड तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ये नहीं बता रहा है कि उसका यू you नो know, वो क्या कर रहा है या फिर वो कौन है बल्कि उसका क्या ड्रीम है वो ड्रीम कौन है जो वो ओन करता है उसकी बात हो रही है इसलिए हम हू की जगह हुस का यूज करेंगे नेक्स्ट उसे पक्का नहीं पता कि वह किसकी कार है किसकी कार मतलब कार किसके ओन की गई है ठीक है ना हु ओन्स द कार उसकी बात हो रही है हु पजसेस द कार तो यहां पे क्या हो जाएगा किसकी की जगह हुज यूज होगा सो शी इज नॉट श्योर हुज कार दैट इज तो यहां पर हु और हु में सिर्फ इतना से डिफरेंस अगर आपने हिंदी में भी समझा तो अगर पोजेशन की बात हो रही है अगेन अगेन मैं रिपीट कर रही हूं तो वहां हुज ओनरशिप की बात हो रही है हुज लगाओ अदरवाइज गो फॉर हु डन ओके अब हमसे ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं तो एक सबसे एक्स्ट्रा और सबसे इजी जो इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अगर हम चूज द करेक्ट भी देख लें यानी कि कैसे यूज करना है हुज को चूज करें या हु को चूज करें बहुत आसान है देखिए आई नो अ पर्सन डैश कैन रीच यू रीच यू नहीं टीच यू डांस ठीक है क्या लिखा है कि मैं एक पर्सन को जानता हूं जो कि तुम्हें डांस सिखा सकता है तो यहां पर जो वर्ड जो है वो क्या कर रहा है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस पर्सन की राइट right? क्या ऐसे बता रहा है कि जिसका डांस है यानी कि जो डांस ओन करता है नहीं जो आपको डांस सिखा सकता है तो क्योंकि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिलेट कर रहे हैं तो पक्का यहां रिलेटिव प्रोनाउन आएगा अब रखे कि हूज रखे अगर यहां ओनरशिप की बात होती तो रखते बट यहां पर्सन की बात हो रही है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिलेट करने का काम हो रहा है इसीलिए हमने हु का यूज किया सो आई नो अ पर्सन हु कैन टीच यू डांस डन ओके नेक्स्ट इज Mr. Manhotra dash daughter studies in my college is a politician. Mr. Manhotra उनकी बेटी कहाँ पढ़ती है मेरे कॉलेज में और पॉलिटिशियन कौन है मिस्टर मनोत्रा है राइट इतना तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा क्योंकि बेटी कॉलेज में पढ़ रही है वो कहां से पॉलिटिशियन सो मिस्टर मनोत्रा हो डॉटर या हुज डॉटर बेटी किसकी है मिस्टर मनोत्रा की मिस्टर मनोत्रा का ओनरशिप है अपनी बेटी पे राइट यही बोलना चाह रहा है सेंटेंस तो किसकी बेटी है मिस्टर मनोत्रा की यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहां पर पता चल रहा है हुज का क्यों क्योंकि यहाँ ओनरशिप की बात हो रही है मिस्टर मनोत्रा जिनकी बेटी

मिस्टर मल्होत्रा जो कि वहां खड़े हैं वो एक पॉलिटिशियन है तो खड़े रहना क्या उनका ओनिंग है नहीं ना वो उसको ओन तो करते नहीं है तो वो क्या हो जाएगा वहां पर हु हो जाएगा कि मिस्टर मनोत्रा जो वहां खड़े हैं मिस्टर मन्ोत्रा हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ पॉलिटिशियन तो आप क्या करो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो लगा दो अगर आप ओनरशिप बता रहे हो तो हुज का यूज करो डन ओके चलिए नेक्स्ट इसी तरीके का जो क्वेश्चन है इट सेज आई हैव अ फ्रेंड डैश कैन स्पीक Six languages. मेरी एक friend है, जो की छ लैंग्वेजेस बोल सकती है अब जो की छ लैंग्वेजेस राइट क्या छह लैंग्वेजेस उसी की है नहीं वो बोल सकती है तो हम क्या कर रहे हैं इस फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं राइट right? कि वो छह लैंग्वेजेस और बोल सकती है तो यहां ओनरशिप का कोई बात नहीं हो रहा है दैट्स वाई यू विल गो फॉर द वर्ल्ड हु तो क्या होगा आई हैव अ फ्रेंड हु कैन स्पीक सिक्स लैंग्वेजेस डाउन ओके नेक्स्ट इज दैट इज माई नेबर डैश वाइफ इज अ डॉक्टर वो मेरे पड़ोसी हैं और उनकी वाइफ क्या है डॉक्टर है तो वाइफ किन की है उनकी है राइट right? वो उनकी वाइफ ही रहेगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं करेक्ट तो यहाँ अगेन ओनरशिप की बात हो रही है कि भाई किससे कनेक्टेड है वो बात तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हुज वाइफ सो दैट इज माय नेबर हु वाइफ नहीं हो जाएगा हुज वाइफ हो जाएगा यानी जिनकी वाइफ एक डॉक्टर है तो जिनकी वर्ड हो जाता है या किसकी वर्ड हो जाता है यानी ओनरशिप की बात हो रही है तो आप हुज को यूज करोगे हु को यूज नहीं करोगे ओके ऑल राइट नेक्स्ट इज आई नो अ फ्यू पीपल डैश आर अफ्रेड टू ड्राइव अ टू व्हीलर मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो टू व्हीलर को चलाने में डरते हैं यानी क्या यहां पे टू व्हीलर को डरना या टू व्हीलर को चलाने से डरना एक ओनरशिप की बात है बिल्कुल नहीं यहां हम क्या कर रहे हैं ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं और जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम हु हु का 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 यूज करेंगे, का? का यूज करेंगे करेंगे सो आई नो ऑफ यू पीपल हु आर अफ्रेड टू ड्राइव अ टू व्हीलर क्यों क्योंकि यहां पर हु एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है और क्योंकि पर्सन की बात हो रही है इसलिए हम हु का यूज करेंगे डन तो क्या हो जाएगा नो ऑफ यू पीपल हु आर हुआ

जो ऑनेस्टी की बात हो रही है जो हार्ड वर्किंग की बात हो रही है क्या वो पोजेशन की बात है कि तुम ही अकेले हो जो ईमानदार है तुम ही अकेले हो जो यू नो हार्ड वर्किंग है बिल्कुल नहीं यहाँ बात हो रही है कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो कि ऑनेस्ट होते हैं या वर्किंग होते हैं यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है ओनरशिप की बात नहीं हो रही है सो यहाँ हु को प्लेस करके रखोगे तो सेंटेंस सही बनेगा अगर दिक्कत होती है समझने में ओनरशिप है कि क्या है तो प्लेस करके रख लो आई यू समन हु इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क क्या तुम उनमें से हो जो कि बहुत ऑनेस्ट या हार्ड वर्किंग होते हैं या फिर आई यू हुज इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क जिसका ऑनेस्ट और हार्ड वर्क जिसका है मतलब वो ओन करते हैं ऐसा कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं सेंसिबल है ही नहीं इसीलिए सही क्या हो जाएगा हु सो आई यू हु इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कहना चाहिए हार्ड वर्क मत कहो हार्ड वर्किंग कह दो ठीक है दिस वुड बी अ राइट और करेक्ट स्टेटमेंट तो इस तरीके से आपको समझ आ गया हाँ भाई इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हुज का यूज ना करके हु का यूज करेंगे क्लियर ओके okay. सो विद दिस वी हैव कंपलीटेड द टॉपिक दैट इज वॉट द डिफरेंस किसके बीच में हु वर्सेज हुस के बीच में सो बोथ ऑफ देम आर बहुत बहुत ईजी वर्ड्स इट्स जस्ट दैट अगर आपको क्लियर हो कि हु का यूज कब करना है और हुस का यूज कब करना है पोजेसन ओनरशिप की बात कौन करता है कौन नहीं करता है देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस को हमें चूज करना है इन आज सेंटेंसेज नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो एक और चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है मैग्नेट ब्रेन से आप यूट्यूब पर जाते हो कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक जो भी है उसे सर्च करते हो यू गेट द वीडियो राइट बट कभी कभी आपको इश्यू आता है कि प्ले नहीं मिल रही है या वीडियो नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं आपके लिए बहुत 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 ईजी सोल्यूशन है दैट इज आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर कैसे करना है यू हैव टू गो टू गूगल टाइप करना है मैग्नेट डॉट कॉम जो कि आपको दिख भी रहा है वहां पे जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करोगे ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा नाउ आप यहां देख सकते हो कि डिफरेंट क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं यू कैन सी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सारी क्लासेस जो है अरेंज है और आपको सिर्फ एक क्लिक करना है उस क्लास पे जिसका सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो सो वट यू वुड डू इज आप क्लास टेंथ का अगर कुछ पढ़ना चाहते हो सपोज आप क्लास टेंथ पे क्लिक करो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने क्लास टेंथ के सारे सब्जेक्ट जो है वो आ जाएंगे

फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करो और लेटर टू गॉड पे क्लिक करो आपके सामने इसका आपको समझ आ गया अब आपको इंग्लिश में कुछ और पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लिया अब आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है आप बैक पे क्लिक करो एंड अगेन यू कैन चेंज द क्लास और सब्जेक्ट एज पर योर चॉइस डन सो दिस इज सो ईजी बिकॉज आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहां होगा टॉपिक एंड ऑल यू हैव टू जस्ट क्लिक and the video will start playing itself done okay सो विदी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक दैर इज अ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हु वर्सेज हु आई होप आपको सब चीज़ें बहुत जैसे क्लियर हो गई हैं एंड येस इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो बेनिफिशियल आपको क्या करना है आपको लाइक like करना है इस वीडियो को एंड इफ़ यू फाइन कि ये कोई टॉपिक ऐसा है जो किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है दैन डू शेयर अबाउट दिस विद दैम ऑल्सो इफ यू थिंक मैगनिक ब्रीन्स पे जो फ्री एजुकेशन आपको क्वालिटी फ्री एजुकेशन आपको जो मिलती है किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है वेदर द पर्सन इज ऑफ जूनियर सेक्शन और द सेम क्लास एस यू और अ सीनियर सेक्शन स्टूडेंट देन डेफिनेटली आप उनसे ये शेयर कर सकते हो सो so दैट उनको भी इतने बेनिफिट्स मिले एंड इफ यू डोंट टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम आर चैनल देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू आर चैनल सो डोंट फर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद नेक्स्ट टॉपिक देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय